गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डॉक्टर जादव ब्रदर्स। तो आज हम आए लालबाग घूमने के लिए। तो लालबाग एक बॉटनिकल पार्क है जहाँ पे अलग अलग टाइप के झाड़ है, बहुत सारे अलग अलग वैराइटीज के झाड़ है, प्लांट नर्सरी है इस टाइप की। तो अभी हम आए लेक व्यू की तरफ। तो ये नेक्स्ट जंगल है सब जगह पर, चारों तरफ बहुत ही बड़ा लेक है। और यहाँ पे अंदर आने के जो एंट्री चार्जेज है वो पर पर्सन 30 रुपीज़ है। तो ये आप सामने देख सकते हो, एक छोटा सा ब्लैक डक है जो पानी में अभी घुस गया है, अंदर डूब गया है, वापस से वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बर्ड्स है, डक्स है, स्वैन है इस पानी में। कहाँ गया हो? वो देखो वहाँ बाहर निकला, देखो वहाँ निकल गया और उस तरफ बाहर निकला वो। तो ये पार्क बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है, बहुत देख सकते हो कैसा है। पूरा साइड से पत्थर का माउंटेन्स है। आगे इनकी नर्सरी भी है, प्लांट नर्सरी, बहुत बड़ी नर्सरी है इनकी, वो आपको बताएंगे हम अभी कुछ ही देर में। चलो फिर आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो इस लेक के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के फिशेज है जो स्विम कर रहे हैं, क्लियरली विजिबल है पानी में, आप देख सकते हो। कुत्ते आनंद ले रहे हैं पार्क का, इनका पार्क है जैसा। और इनको तो फ्री एंट्री है, इनको टिकट वगैरह कुछ देना नहीं पड़ता है जिससे हमको देना पड़ता है। टिकट सिर्फ इंसानों को है, कुत्तों को नहीं। बहुत शांति यहाँ पे, पीसफुल नेचर है बहुत यहाँ पर। कोई स्ट्रेस में रहेगा तो यहाँ पे आके आराम से बैठ सकता है, 2 घंटा बैठ गया तो पूरा स्ट्रेस निकल जाएगा उसका। तो आप ये पेड़ देख सकते हो सामने, इसका जो इसका जो ट्रंक है पेड़ का, कितना मोटा ट्रंक है आप देख सकते हो। और यहाँ तक मुझे लगता है कि ये बहुत ही पुराना झाड़ है, करीबन कितने साल पहले का होगा पता नहीं, लेकिन इसको देख के कम से कम 200-300 साल पुराना लग रहा है मेरे को झाड़ ये। आइए आने नजदीक से देखते हैं इस झाड़ को अपन। ये कॉटन ट्री है शायद से, कपक कपक सॉरी है। और आइए देखते कितना पुराना है, लिखा हुआ यहाँ पे कौन से कितने साल पुराना है वो तो लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाइट सिल्क कॉटन कैपॉक करके लिखा है। और आप ट्रंक देख सकते हो इस ट्री का, कितना मोटा और वाइड है इसका ट्रंक। ऐसे झाड़ बहुत ही कम है इंडिया में। वो दूसरा पेड़ है सामने, हमको इस ऐसे टाइप के ट्रीज को प्रिजर्व करना चाहिए जितना हो सके उतना। ये देख के तो काफ़ी पुराना झाड़ लग रहा है मुझे। वैसा तो ये पार्क बहुत ही बड़ा है, भूल भुलैया है पूरा, तुम घूमोगे तो घूमते रह जाओगे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इस पार्क को बनाया गया है मैंगलोर गवर्नमेंट ने। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये ग्लास का महल जो दिख रहा है उसको ग्लास हाउस बोलते हैं। और ठीक उसके बीच के सेंटर में अपना नेशनल एम्बलम है, वो 4 लायंस वाला, तो बहुत खूबसूरती से इसको बनाया है। अंदर एंट्री तो नहीं है पर बहुत काफ़ी शानदार बनाया गया है इसको, आप देख सकते हो किस तरीके से इसको बनाया गया है। और अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स है, उनके झाड़ है, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स है, बड़े बड़े फ्लावर्स है। और सब ठीक उसके ऊपर एक ईगल बैठा है शायद से, छोटा सा ईगल है, हाँ एक बड़ा छोटा दिख रहा है।
ये जितने भी फ्लावर्स हैं इनको फेंसिंग की गई है ताकि अंदर जाके लोग उसको प्लक ना करें, उन झाड़ों को छेड़े ना, उन फ्लावर्स को भी छेड़े ना, इसलिए उसको फेंसिंग की गई है तो लोगों को अंदर एंट्री नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी तरह से दुरांता कट किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं दुरांता ट्री बहुत अच्छी तरीके से इसको मेंटेन किया है, इसको टाइम टू टाइम कट करके इसको अच्छा वी शेप दिया गया है, वेल मेंटेन ये पूरा है गार्डन, थोड़ा भी कचरा यहाँ देखने नहीं मिलता। और अगर तुम कचरा करोगे तो फाइन भी है यहाँ पे, यहाँ के लोग भी बहुत सिविलाइज्ड है जो कचरा नहीं कर रहे बिल्कुल भी। और ये सामने जो है ये छोटा सा फाउंटेन है, तो हम नज़दीक से फाउंटेन को देखेंगे। बहुत ही मस्त फाउंटेन है ये, बहुत ही अच्छा फाउंटेन है। इस बॉटनिकल गार्डन में आए थे तो हमने यहाँ पे फोटो खींचा है और प्रोफेशनल कैमरामैन से, ये हमारा कैमरामैन है, कैमरामैन है, तो एक कॉपी के 100 रुपीज़ है, तो हमने 2 फोटो खींचा है तो उसके 200 रुपीज़ हो गए। मेमोरी के तौर पे हमने फ़ोटो खींचा है क्योंकि अभी हम जल्दी बैंगलोर छोड़ने वाले हैं बैक टू मुंबई अगेन, इसीलिए। तो ये आ रही है हमारी फ़ोटो बाहर प्रिंट होके। ये हमारी दूसरी फोटो, फोटो रेडी, फोटो थैंक यू सर, थैंक यू। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, अभी तक तो मैं तुमको बॉटनिकल गार्डन दिखाया नहीं है, वो अलग तरफ है बॉटनिकल गार्डन, उधर का भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। और गेट नंबर 2 पे है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। और यहाँ पे वीकेंड्स का टाइम पे सैटरडे संडे को बहुत ही रश रहती है, ऑलमोस्ट बहुत जगह से लोग आते हैं ये पार्क देखने के लिए। एग्जैक्ट 6 o'clock हो चुके हैं और आप देख सकते हो सन सामने ही है, सन देखो सनसेट पॉइंट ही है, सनसेट हो रहा है। और देखो यहाँ पे छोटी सी गिलहरी है जो दौड़ रही है, कुछ खाने के चक्कर में वो भाग रही है यहाँ वहां से। हम थोड़ा फ्रेश होने यहाँ पे आए, बहुत ठंडा पानी है। ये बहुत ही अजीब टाइप के प्लांट्स हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। बहुत प्यारे हैं। और ये रोड भी है बीच में साइकिलिंग करने के लिए या फिर जॉगिंग के लिए, आप देख सकते हैं। प्रॉपरली मेंटेन है गार्डन है। और इसी जगह पे हमने फोटो लिया हमारा एज अ मेमोरी। ये यहाँ पे मजे ले रहा है ग्रास के, कुत्ता कुत्ता है कि कुत्ती समझ नहीं आ रहा है, कुत्ती आई गेस।
इतना डिटेल नहीं बोलने का आपने ताया कुत्ती है। अच्छा ये क्या बना है? रैबिट को काफ किया है। रैबिट नहीं रे, रैबिट क्या स्क्विरल है। स्क्विरल है गैस। उसको काफ किया गया है झाड़ों पे कट करके। स्क्विरल बना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो झाड़ है उसको काफ किया हुआ है। झाड़ नहीं आती है, पिलर ही बनाया उन्होंने। सीमेंट के पिलर्स बनाए, स्कल्पचर्स बनाए। सीमेंट ही है रे। नीलगिरी ट्री है देखना। 200 इयर्स लालबाग 2018। ये झाड़ है रे वो देख। ये पुराने ट्रीज है जिनको इन्होंने अच्छे से, ये जो पुराने ट्रीज है जो कुछ काम के नहीं थे उस ट्रीज को इन्होंने काफ करके और अलग टाइप की मूर्ति बनाई है। आप देख सकते हैं कि इस पे एक औरत का चेहरा है और एक छोटा बच्चा है। तो ये सिंबलाइज करता है मदर नेचर बूम। और ये मैंगो ट्री है 250 इयर्स ओल्ड। और ये झाड़ जो है वो 2018 में इन्होंने काफ करके यहाँ पे खड़ा किया है। तो मदर नेचर बूम करके इस स्कल्पचर का नाम है, जिसमें आप देख सकते हो एक छोटा बेबी है जो बूम से बाहर आ रहा है और मदर है उसके पीछे। और तो इसका देखना। और सिमिलरली और तुम देख सकते हो इधर और एक स्कल्पचर है जो सिंबलाइज करता है बफेलो बाय द लेक। और ये भी मैंगो ट्री है 250 साल पुरानी, उसको काफ किया गया है। तो आप देख सकते हो कि आगे जो है वो बफेलो का फेस है और बैक साइड में आप देख सकते हो क्रोकोडाइल है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको कार्विंग की गई है ये चुने झाड़ों को। ये कैटफिश है, इसको भी उन्होंने काफ किया हुआ है मैंगो ट्री पे। और ये सब झाड़ जो है जो काफ किया है वो 250 इयर्स पुराने हैं। और ये है क्रोकोडाइल, ये नीलगिरी ट्री पे कार्विंग की गई है इस क्रोकोडाइल की। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पद्धति से इन्होंने कार्विंग की है इस क्रोकोडाइल के नीलगिरी ट्री पे। तो जो अपने नेचर का जो झाड़ है आफ्टर जो नेचर के झाड़ है वो कुछ सालों के बाद जब टूट जाते हैं तो उसके बाद वो यूज में आ सकते हैं। और एक कैमेलियन है, ये भी 250 इयर्स पुराना ट्री है मैंगो ट्री, उस पर काफ किया गया है कैमेलियन। तो आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से खूबसूरत से इसको काफ किया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के स्कल्पचर आपको देखने मिलेंगे। यह है पीकॉक, पीकॉक भी बनाया गया है यहाँ पे। ये भी नीलगिरी ट्री पे बनाया है जो 200 साल पुरानी है। ओह दिस इज ब्यूटीफुल। ये है बुद्धा, दिस इज द बुद्धा फेस, यू कैन सी। हिंदी को डालो तो आप देख सकते हो कि ये है लोटस बुद्धा। कितने खूबसूरती से इसको बनाया गया है इस लोटस बुद्धा को। ये भी नीलगिरी ट्री पे बनी हुई मूर्ति है जो 200 साल पुरानी है। मूर्ति 200 साल पुरानी नहीं है, झाड़ 200 साल पुराना है। तो उसी पे ये बुद्धा का स्टैचू बनाया गया है। और ये है इनटू द जंगल, ये भी नीलगिरी ट्री पे बना है 200 इयर्स पुराना। तो इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्विंग की गई है अलग ही टाइप की। इस पर ऑयल दिखाया गया है, स्नेक दिखाया गया है, बाद में कुछ एनिमल्स के फेसेस है।
एनिमल्स के चेहरे हैं वो भी दिखाए गए हैं इसके ऊपर। मंकी भी है इस पे। ये है द ट्री ऑफ लाइफ, ये भी नीलगिरी ट्री पे बना हुआ है। जो ट्री है 200 साल पुरानी है। मंकी देख, ये देखो बंदर। और हमको एक यहाँ पे बंदर देखने मिला है, नजदीक मत जा मारेगा। बहुत ही ओल्ड एज बंदर दिख रहा है, काफी बड़ा है। तो ये पहला बंदर है जो मुझे हमें देखने मिला यहाँ पे। उधर हो और यहाँ पे एक पार्क भी, ये भी पहाड़ भी है जहाँ लोग जाके बैठते ऊपर। इस पार्क को बहुत अच्छी तरीके से कट किया गया है, कट नहीं किया है, नेचुरली है, नेचुरली है शायद। और उसके ऊपर एक मंदिर भी खड़ा किया गया है। यहाँ अंदर बहुत सारे हॉकर्स भी है, बहुत कुछ मिलता है पे खाने के लिए, पीने के लिए, फ्रूट सलाड, काकड़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी पूरी, सब कुछ है यहाँ पे। खीरा भी मिलता है यहाँ पे, खीरा काकड़ी। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं पहाड़ पे, ऊपर से थोड़ा व्यू का मजा लेते हैं, सीनिक ब्यूटी। तो आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ को किस तरीके से स्टेप्स में काफ किया गया है। सनसेट नहीं हुआ रहेगा तो हम आपको दिखाते हैं सनसेट, दिख रहा है तो। सनसेट व्यू इतना सुंदर दिख रहा है, ये व्यू आप देख सकते हैं। शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट 6:30 बजे हुए और जो सन का कलर है वो ऑरेंज हो गया है। ऑलमोस्ट सनसेट होने का टाइम हो गया है, कुछ ही टाइम में सन चले जाएगा। तो ये व्यू वापस देखने नहीं मिलने वाला। ये एक ही टाइम होता है जब तुम सन को अपने नेचर आई से देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो, नहीं तो बाकी टाइम तो उसको देखना नामुमकिन होता है। यही एक सनसेट टाइम ही होता है जब तुम उसको क्लियरली देख सकते हो अपनी आंखों से। और यहाँ से कुछ बैंगलोर सिटी का व्यू भी दिख रहा है सामने। तो ऑलमोस्ट अपना सन चला गया है बादलों के पीछे। ब्यूटीफुल। तो ये है इवनिंग व्यू ऑफ द लेक। सात बज गए हैं शाम के। हमारा ऑलमोस्ट घूम के हो चुका है, अभी निकलना है घर की तरफ मेट्रो से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर तुमको हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको पार्क कैसा लगा वो भी बताइए हमको। चलो फिर चलते हैं घर की तरफ, लेट्स गो।
Thank you.